नमस्कार। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर। हमारे बीच में हैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी। हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो प्रदेश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं पिछले 8 सालों से, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत से वादे, बहुत से इरादे, इन सबके बीच बीता 8 वर्ष हमारे बीच में है, हमारे सामने है। हम कहां पर हैं, कहां हमें जाना है, इन सब पर बातचीत करने के लिए, लोगों की बातों को सामने रखने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, जो आज मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करेंगे, सीधी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी हमार जनभाषा मा, हमार बोली मा, हमार बात ला बताही। तो सबसे पहली मैं परिचय कराता हूं हमार वरिष्ठ पत्रकार मन से। हमारे बीच में है रमेश मैया जी, वरिष्ठ पत्रकार। रामतार तिवारी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे बीच में हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आप हरिभूमि समूह के प्रबंध संपादक हैं। हम बातचीत की शुरुआत कर दो। सबसे पहले मैया जी, आप बताओ आपके क्या कहना है। डॉक्टर साहब, वक्त के साथ सब होता रहेगा। वक्त के साथ बहुत सी बातें सामने आएंगी, चर्चाएं भी वक्त के साथ आगे चलेंगी, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम। ब्रेक के बाद आप मन के फिर से स्वागत है और हमारी चर्चा फिर से जारी रही। नेहा जी, आप चर्चा। तो हमारी भी चिंता है और हमने 5 साल में हम राष्ट्रीय औसत से नीचे तो हम आ जाएंगे। हम देश के सबसे बेहतर राज्य जो केरला है, जिसमें एक बेहतर काम किया है, उसके हम एक चुनौती मानते हैं कि उसके आसपास हम कैसे आए। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम बेहतर स्थिति में आ गए हैं, हमारी तुलना हो रही है, हमसे लोग तुलना कर रहे हैं, हम सबके लिए गौरव की बात हो सकती है। ये चर्चा और भी आगे जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तमाम अभी और भी मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत मैं तिवारी जी की ओर ले जाना चाहूंगा, उनके कुछ सवाल हैं। डॉक्टर साहब, इस बार आप बजट पंप कनेक्शन से बढ़ के 2,85,000 पंप कनेक्शन हो गए, उनको भी है, उसका हम मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं? तो साहब, आप उद्योगों के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन कृषि संरक्षण को लेकर के, जो खेती की भूमि है, जो किसानों की भूमि, उसके संरक्षण को लेकर के बहुत समय से चर्चा होती है कि कुछ अधिनियम आएगा, कुछ कानून आएगा। क्या एक कॉन्क्रीट तैयार हो गया है इसको लेकर के कि उनका संरक्षण? उप समिति भी बनाया था, उसका कोई आज तक कुछ हुआ नहीं, उसमें कोई निर्देश नहीं बन पाया मतभेदों के कारण। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सरकार ने पूरी तैयारी की है, राजस्व विभाग ने इस पर तैयारी की है। जो बड़ा खतरा है कि बाहर से लोग आकर इंडस्ट्री में दूसरे क्षेत्रों के लिए बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर लोग उसको रोके जाने के लिए एक इस बार हम उम्मीद करते हैं, इस बार इस बजट सत्र में उन सारे विषयों को हमारे राजस्व मंत्री जी लाएंगे, जिसमें जमीन की सुरक्षा भी हो और स्थानीय लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहे। देखो, आपने जो ये वैल्यू, डॉक्टर साहब बहुत से कल्पनाएं हैं और अब युवा यहाँ के गांव-गांव के युवा आपकी ओर टकटकी लगा बैठे कि भाई उद्योग आते, सब कुछ आते, लेकिन हमारे रोजगार पर क्या होगी, एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ विकास की भी बहुत बात होती है और होत भी है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगार मन अभी भी कुछ बहुत उम्मीद नहीं बांध पाते। पहले हमारे छत्तीसगढ़ में 6-7 इंजीनियरिंग कॉलेज से 1200-1500 ऐसे छोटे छोटे युवा मन के बढ़ावा के आप बहुत काम कर रहे थे, मानगन अवसर मिलना चाहिए, पढ़ाई के अवसर मिलना चाहिए, तकनीकी शिक्षा से जुड़ना चाहिए। और तो अभी डॉक्टर रमन सिंह जी से हम बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रदेश कौन सा दिशा में है, कौन दिशा में हमारा प्रदेश जात है, हम 8 साल में कहाँ आकर के खड़े हैं और हम आगे कहाँ तक जाबो, ये तमाम विषय में हम डॉक्टर रमन सिंह जी से बात कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार मन यहाँ मौजूद रहे से। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के धन्यवाद करता हूँ, मैं तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार मन के धन्यवाद करता हूँ कि ये खास कार्यक्रम में आप सब मौजूद रहो। आप सब मन के बहुत बहुत धन्यवाद।